हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों वेलकम टू माय न्यू चैनल, ये मेरा नया चैनल है। अगर आप लोगों ने चैनल को भी सपोर्ट नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को भी सपोर्ट करिएगा। दोस्तों आज की इस वीडियो में बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क के बारे में बात करें। जी हाँ दोस्तों, ये पल्सर 150 का ट्विन डिस्क वेरिएंट है जो कि रेड कलर ऑप्शन है। कुछ दिन पहले मैंने ब्लू कलर का रिव्यू किया था, जो कि आप लोगों ने बोला था कि एक बार इसका जो रेड कलर है भाई वो भी दिखा दो। तो दोस्तों आप लोगों के रिक्वायरमेंट में ये कलर जो है मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में इस बाइक का कंप्लीट रिव्यू मैं आपके सामने रखने वाला हूँ कि क्या प्राइस आती है, क्या स्पेसिफिकेशन है, क्या इंजन है, कैसे इसकी पावर है, कैसी इसकी माइलेज है, टॉप स्पीड परफॉर्मेंस, कंप्लीट चीज़ें आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो आई होप दोस्तों ये जो वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और आने वाले समय में मुझे ऐसा लगता है कि बजाज इन बाइक्स में काफ़ी ज़्यादा ध्यान देगा, क्योंकि बजाज की ये बाइक आज भी काफ़ी ज़्यादा सेलिंग होती है। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं 150 ट्विन डिस्क के बारे में। अगर चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल के आइकन को ऑन कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन में आप तक पहुंचते रह सके एंड आप मेरे वीडियो से अपडेट रह सके। तो चलिए दोस्तों आज की इस इंटरेस्टिंग वीडियो को शुरू करते हैं। बात करते हैं बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क के बारे में। सबसे पहले मैं आपको एक बात क्लियर करना चाहूँगा दोस्तों कि पल्सर 150 में आपको नंबर ऑफ 3 वेरिएंट्स देखने को मिलते हैं। एक सिंगल डिस्क वेरिएंट आता है जो कि स्टैंडर्ड मॉडल आता है, सिंगल डिस्क में एक न्यूअर मॉडल भी आता है, और ये 150 ट्विन डिस्क वेरिएंट है जो कि टॉप वेरिएंट है। जी इसमें आपको 3 वेरिएंट देखने को मिलेंगे। देखिए इस वाली वेरिएंट में ना आपको सबसे पहले तो डुअल डिस्क मिलता है, और उसके बाद इसमें आपको स्प्लिट सीट मिलती है, और न्यूअर और स्टैंडर्ड मॉडल में दोनों में सिंगल डिस्क मिलती है। प्लस ध्यान रखिए कि उसमें आप लोगों को जो न्यूअर मॉडल आती है उसमें आपको जो ग्राफिक्स मिलते हैं एकदम नॉर्मल मिलते हैं, और इस वाले ये जैसा है वैसे ही आपको ग्राफिक देखने को स्टैंडर्ड मॉडल में देखने को मिल जाते हैं। मेजर डिफरेंस आप लोगों को यही देखने को मिल जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं, बात कर लेते हैं इस बाइक के प्राइस के बारे में। और अभी तो दोस्तों इस बाइक का जो प्राइस है भाई वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुका है। दोस्तों लास्ट टाइम जब मैंने वीडियो बनाई थी तब ये बाइक 130,000 रुपये के आसपास की ऑन रोड प्राइस आती थी, लेकिन अब दोस्तों इस बाइक का जो एक्स शोरूम प्राइस हो गया है वो गया 117,000, 117,000 रुपये के आसपास की बाइक आपको अब एक्स शोरूम प्राइस देखने को मिलती है। और अगर बात करें इसके ऑन रोड प्राइस के बारे में तो अब दोस्तों ऑन रोड प्राइस ये बाइक आपको मिलेगी अराउंड 1,39,000। जी हाँ, 1,39,000 से 1,40,000 रुपये के आसपास की ये बाइक अब आप लोगों को ऑन रोड प्राइस देखने को मिलेगी। मतलब कहीं ना कहीं दोस्तों बाइक का जो प्राइस है आजकल बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है दोस्तों, और मेरे हिसाब से आने वाले समय में और भी ज़्यादा बढ़ेगा। तो भाई अगर आपको बाइक लेनी तो देरी मत करो, बस बाइक को ख़रीद लो। तो चलिए दोस्तों आज मैं शुरू करते हैं इसमें रिव्यू, लेकिन आज मैं कोशिश करूँगा कि थोड़े अलग तरीके से रिव्यू करूँ। जैसे हम पहले करते थे कि पहले एक इंजन के बारे में बताओ, उसके बाद सस्पेंशन के बारे में बताओ, ऐसा नहीं। पहले अपन फ्रंट से बात करेंगे, फ्रंट के बाद इंजन में जाएंगे, इंजन के बाद रियर में जाएंगे, रियर के बाद वापस से इसके स्पीडोमीटर में आएंगे, ठीक है। सबसे पहले बात कर लेते हैं इस बाइक की लाइट्स के बारे में। दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि बजाज में आज भी आप लोगों को नॉर्मल हेलोजन लाइट देखने को मिल रहा है। बजाज ने आज भी LED लाइट में काम नहीं किया है। बाकी आप लोग लाइट देख पा रहे हैं, बाइक में आपको नॉर्मल हेलोजन लाइट देखने को मिलता है। हमें लग रहा था कि बहुत दिनों से बजाज शायद LED लाइट में काम करेगा, बट फिलहाल अभी तक ऐसा नहीं हुआ है। आज भी बजाज ने नॉर्मल हेलोजन लाइट में काम किया। बाकी मैं आपको पास मार के दिखाता हूँ, ओके। तो देख सकते हैं यहाँ पर आपको नॉर्मल यहाँ पर जो है हेलोजन लाइट बाइक में देखने को मिल जा रही है। अगर बजाज इसमें LED लाइट में काम करेगा तो शायद ये बाइक की जो लाइट से थोड़ी और बेटर हो सकती है, और बजाज को ये चीज़ समझ ही नहीं चाहिए। टर्न सिंगल लैप में आपको बाइक में जो है बल्ब देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको इसमें मिल जाएगी सबसे पहले लाइट में। बात करें यहाँ पे फ्रंट में, सबसे पहले सस्पेंशन के बारे में। फ्रंट में आप लोगों को बाइक में 37mm के टेलीस्कोपिक सस्पेंशन देखने को मिलता है। इस बाइक की जो सस्पेंशन है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं, 37mm सस्पेंशन है, नो डाउट काफ़ी अच्छे काम करेंगे, काफ़ी कंफर्टेबल राइड कर लोगे। बात करें ब्रेकिंग या टायर्स के बारे में, सबसे पहले बात कर लेते हैं टायर साइज़ के बारे में। तो टायर साइज़ में फ्रंट में आपको 1990 के टायर देखने को मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे टायर है, ग्रिपिंग आपको बहुत ज़ोरदार मिलेगी। और बात कर ले प्लेट साइज़ के बारे में, तो प्लेट साइज़ इसकी है दोस्तों 280mm की, 280mm के आसपास की प्लेट साइज़ यहाँ पे फ्रंट में यूज़ की गई है। साथ में आप लोगों को बाइक में सिंगल चैनल एंटी लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, ये ABS भी है, जो कि सिंगल चैनल ABS आप लोगों को बाइक में देखने को मिल जाता है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक की आप सबसे पहले इंजन के बारे में, इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में बात कर लेते हैं। देखिए आपको बताना चाहूँगा इंजन टाइप में आप कह सकते हो, सबसे पहले बाइक में आपको एयर कूल्ड 4-स्ट्रोक 2-वॉल्यूम ट्विन स्पार्क प्लग सिंगल सिलेंडर इंजन DTSIFI इंजन जो है आप लोगों को इस बाइक में देखने को मिल जाता है। बात करें दोस्तों इस बाइक के इंजन पावर के बारे में, देखिए CC में 149.5 CC का जो इंजन है वो यूज़ किया गया है, जिसको आप यहाँ पे देख भी सकते हो। और अगर बात करें इंजन पावर के बारे में तो मैक्सिमम पावर में अराउंड 14 के आसपास का PS पावर देखने को मिलता है, एंड मैक्सिमम टॉर्क में अराउंड 13.25 के आसपास का इंटरमीडियट जो टॉर्क है वो आप लोगों को इस बाइक में देखने को मिल जाता है। मतलब इस बाइक में आपको पावर एंड जो टॉर्क है वो काफ़ी अच्छी देखने को मिल जाती है, और काफ़ी अच्छी परफॉर्म करेगी ये बाइक। ऑब्वियसली बात है बजाज की DTSI टेक्नोलॉजी है, तो परफॉर्मेंस एंड माइलेज दोनों चीज़ें आप लोगों को बाइक में
बहुत ही बेहतरीन मिलती है। दोस्तों इस बाइक में नंबर ऑफ 5 स्पीड गियर बॉक्स देखने को मिलते हैं जी, या 5 गियर के साथ में ये बाइक आती है। साथ में आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, इस बाइक में आपको नॉर्मल वेट मल्टीप्लेट क्लच देखने को मिलता है, लेकिन बाइक जो है वो 2 वॉल्वो के साथ में आती है, जहाँ पे बजाज को थोड़ा सा काम करना चाहिए और मेरे हिसाब से बाइक में अब 4 वॉल्वो में इस इंजन में भी काम कर लेना चाहिए। दोस्तों बताना चाहूँगा कि इस बाइक में आपकी जो बोर साइज है वो 57 mm के आसपास की है, स्ट्रोक साइज अराउंड 56.4 mm के आसपास की आपको बाइक में मिल जाती है। तो ये तो दोस्तों बाइक का कंप्लीट इंजन स्पेसिफिकेशन हो गया, बाकी इंजन इसकी काफ़ी अच्छी है और परफॉर्मेंस आपको काफ़ी अच्छा प्रोवाइड करेगी। बात कर ले इस बाइक के माइलेज के बारे में, परफॉर्मेंस के बारे में, तो ऑब्वियसली बात है आजकल आपको पता ही कि पेट्रोल का प्राइस कहाँ तक पहुँच चुका है, जिस हिसाब से पेट्रोल का प्राइस है उस हिसाब से माइलेज हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। दोस्तों इस बाइक की जो माइलेज है मेरे हिसाब से वो आपको अराउंड देखने को मिल जाएगी, कम से कम मेरे हिसाब से 50 के आसपास का जो माइलेज है ये बाइक आपको निकाल कर दे देगी। बाकी डिपेंड करता है आपके राइड पे, क्योंकि हर किसी का राइड करने का जो तरीका होता है वो थोड़ा सा अलग होता है। बाकी अगर आपकी राइड करने की जो मतलब एक स्किल जो है वगैरह अच्छी होगी तो अराउंड आप लोगों को ये बाइक 50 के आसपास का जो माइलेज है वो निकाल कर दे देगी। अब आते हैं दोस्तों इस बाइक के रियर में, सबसे पहले बात कर लेते हैं रियर टायर साइज़ के बारे में। तो 120/80 के आसपास के रियर टायर आपको इसमें देखने को मिल जाएंगे, और अगर प्लेट साइज़ के बारे में बात करें तो 230 mm के आसपास की प्लेट साइज़ आपको इसमें रियर में देखने को मिल जाती है। ये बाइक का एग्जॉस्ट है, सस्पेंशन में आपको रियर में 5H एडजस्टेबल नाइट्रो एब्जॉर्बर सस्पेंशन देखने को मिलते हैं। रियर सस्पेंशन भी काफ़ी अच्छे हैं, काफ़ी कंफर्टेबल राइड कर सकते हो। यहाँ पे आपको 150 की ब्रांडिंग देखने को मिलती है। टेल लाइट आपको बाइक में ज़रूर LED टेल लाइट देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं दोस्तों इस बाइक की सीट के बारे में, अगर आप इसमें 150 के स्टैंडर्ड मॉडल या न्यून मॉडल लोगे तो उसमें आपको सिंगल सीट मिलेगा, लेकिन ये जो टॉप वेरिएंट है तो इसमें आपको डुअल डिस्क देखने को मिल जाता है। एंड अगर बात करें टैंक के बारे में तो टैंक साइज़ अराउंड 15 लीटर की, जी हाँ 15 लीटर जो पेट्रोल है एक बार में आप इस बाइक में फ्यूल करा सकते हो। बात कर लेते हैं इस बाइक के स्पीडोमीटर के बारे में, सबसे पहले बाइक की देख लीजिए, इस टाइप की आपको बाइक में देखने को मिलती है एंड स्पीडोमीटर देख पा रहे हैं, ठीक है। बाइक में आपको आज भी एनालॉग विद डिजिटल मीटर देखने को मिलता है, बाकी हमें उम्मीद थी कि बजाज शायद फुली डिजिटल मीटर में काम करेगा, इसके स्पीडोमीटर में थोड़ा अपडेट करेगा, बट फिलहाल अभी तक बजाज में ऐसा नहीं हुआ है। बट मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में शायद बजाज फुली डिजिटल मीटर में काम करे। अभी स्पीडोमीटर में क्या क्या चीज़ मिलती है, ये टेकोमीटर, इसे RPM मीटर कहते हैं, ये इसका RPM लिमिटर है। यहाँ पे आपको इंजन मालफंक्शन लाइट मिलती है एंड यहाँ पे आपको साइड स्टेशन इंडिकेटर, लो बैटरी इंडिकेटर, एडजस्ट फ्यूल इकोनॉमिक इंडिकेटर, ओडोमीटर ये मिल जाएगा। यहाँ पे आपको फ्यूल का भी इंडिकेटर देखने को मिलता है। ये ABS लाइट है, ये RPM लिमिटर है, इंजन मालफंक्शन लाइट है, यहाँ पे आपको रीसेट का स्विच मिल जाता है। बात करें स्विचेस के बारे में तो ये पास सीस है, लो बीम हाई बीम, टर्न सिंगल है, ये इसका हॉर्न है, यहाँ पे आपको इंजन कुल स्विच और सेल्फ का स्विच जो है बाइक में मिल जाता है। मतलब दोस्तों फीचर जो है, फीचर्स की इस हिसाब के अगर कंप्यूटर सीरीज़ के हिसाब से देखोगे तो इस शो के, बट आजकल जितनी भी कंप्यूटर सीरीज़ की भी बाइक है भाई, उसमें भी हर कंपनियाँ फुली डिजिटल मीटर में काम कर रही है, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी दे रही है, तो वो सब चीज़ें मेरे हिसाब से बजाज को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि बाइक में थोड़ा अपडेट करना चाहिए। बाकी दोस्तों मैं आप लोगों को इस बाइक का एक बार एग्जॉस्ट नोट भी दे देता हूँ। तो ये बाइक का एग्जॉस्ट नोट है, तो दोस्तों ये था बाइक का एग्जॉस्ट नोट। तो ये था दोस्तों बजाज पल्सर 150 ट्विन डिस्क के रेड कलर का कंप्लीट स्पेसिफिकेशन रिव्यू। आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल पे पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, लव यू ऑल, जय हिंद, वंदे मातरम।